आज है फ्राइडे और मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना फर्स्ट ब्लॉग। तो मैंने सोचा कि फ्राइडे से अच्छा दिन और क्या हो सकता है। मैं जैसे ही उठती हूँ, मुझे सबसे पहले जो चाहिए रहता है वो है नॉर्मल वाटर। मैं एक गिलास पानी पीती हूँ नॉर्मल वाटर। तो फ्रेंड, आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने सोचा था कि जब भी मैं अपना फर्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूँगी वो फ्राइडे का दिन ही होगा। तो आज है फ्राइडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं जस्ट उठी हूँ और मैं अभी ले रही हूँ एक ग्लास पानी। मुझे सुबह उठते ही पानी पीने की आदत है तो मैं सुकून से बैठ के अपना एक ग्लास पानी पीती हूँ। पानी पीने के बाद मैं फिर ब्रश करती हूँ क्योंकि मेरा जो रूटीन है वो अलग है। बट आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि रात में थोड़ा सा मैं लेट सोई थी। आप देख सकते हैं कि मेरे बालों की हालत क्या हो गई है। आज इसे अच्छे से वॉश करूँगी, कंडीशनर करूँगी, स्ट्रेटनिंग करूँगी। आज का पूरा दिन का ब्लॉग आपको मिलेगा फ्रेंड्स देखने के लिए। आज मैं क्या खाना बनाने वाली हूँ, क्या मैं खाना खाने वाली हूँ और आज का पूरा दिन मतलब आप मेरे साथ रहोगे और आज का पूरा दिन मैं आपके साथ रहूँगी। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। और ये मेरी फेवरेट कॉर्नर कह सकते हो घर का। मैं मोस्टली यहीं पे ज़्यादातर अपना जो भी मतलब चाय है, स्नैक्स है या फिर मील है, सब मैं यहीं बैठ के लेती हूँ। मुझे ये कॉर्नर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ से बाहर अच्छा व्यू दिखता है तो मज़ा आता है यहाँ बैठ के खाने में। ये मेरा किचन, आपने बहुत बार मुझे यहाँ पे पकाते हुए देखा है। ये मेरा गैस है, यहाँ बन रही है चाय और ये रही मैं। मुझे सुबह सुबह आधा कप चाय लगती है पीने के लिए तो मुझे अच्छा लगता है। कुछ खाती पीती नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे हाँ हाफ कप टी लगती है पीने को तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अब मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो फ्रेंड, आज फ्राइडे है तो फ्राइडे के दिन मोस्टली मैं कुछ नॉनवेज में ही बनाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ, तो मैं बनाती हूँ आज मटन करी और बघारे हुए चावल और सोच रही हूँ कि रोटी बनाऊँ, पाव बनाऊँ या फिर नान मंगाऊँ। तो जब भी कुछ ऐसा करी टाइप बनता है मटन का तो नान और पाव ज़्यादा घर वाले खाना पसंद करते हैं, मैं तो रोटी ही खाती हूँ। तो देखती हूँ पाव मंगाती या नान मंगाती, तब का तब डिसाइड करेंगे। बट हाँ, मटन करी और बघारे राइस फिक्स है, ठीक है। फ्राइडे का दिन जो होता है मतलब हमारे में ऐसा है कि फ्राइडे का दिन ईद की तरह मनाओ, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा खाना बनाए। तो उस दिन मुझसे तो कंट्रोल नहीं होता क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ें बनी रहती है खाने में और मैं अपना डाइट लेके बैठूँ, नॉट गुड। तो मैं जो अपना चीट डे है वो मैंने फ्राइडे के दिन ही रखती हूँ, तो वो मेरा चीट डे भी हो जाता है और मुझे फ्राइडे के दिन मेरा मनपसंद का खाना खाने भी मिल जाता है। और बाकी दिन फिर मैं अपने वापस डाइट पे आ जाती हूँ, अपना लिमिटेड खाना, लिमिटेड पोर्शन में। अगर आपको आज का ये जो ब्लॉग है वो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दे और मुझे बहुत 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 ज़्यादा भर भर के प्यार दे। कैसे देंगे आप? लाइक करके। तो फ्रेंड, आज का जो मेरा आउटफिट है वो ये है, नेवी ब्लू और ये वाला जो है रियॉन मटेरियल में है। इसे मुझे मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था तो ये मटेरियल था तो मैंने इसे सिलवा के ले लिया है। मुझे मोस्टली सिलवाए हुए कपड़े ज़्यादा पसंद नहीं आते बट ठीक है, अब ये किसी का गिफ्ट था तो मैं गिफ्ट को छोड़ भी नहीं सकती, तो इसे मैं पहन के दिखाऊंगी आपको। मैं यहाँ पे आ गई हूँ फ्रेश होके, नहा के, और ये मेरा आउटफिट जो मैंने आपको दिखाया था। देखिए कितना बड़ा दुपट्टा है, मुझे इसी तरीके के दुपट्टे जो है ना अच्छे लगते हैं, जो ड्रेसेस के बड़े बड़े दुपट्टे होते हैं। और ये है मेरा ड्रेस, कैसा लगा आपको प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको ये अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ नहा के और मैंने पहन लिया है अपना आउटफिट और अभी बाल बहुत गीले हैं
तो इसे थोड़ा सुखाऊंगी, बालों को स्ट्रेट करूंगी। यार बहुत भूख लगी है, देखने जा रही हूँ कि आज तो मेरा चीट डे है। यार ये सोच के मुझे खुशी हो गई, आज मेरा चीट डे है, तो देखती हूँ कि मुझे क्या मिलता है खाने के लिए। मैं जा रही हूँ चखने के लिए। फिर मैं देख रही हूँ नाश्ते में क्या है, तो यहाँ पे है रात की रोटी, मैं आपको दिखाती हूँ। रात की रोटी है तो इसी में गर्म करके खाऊंगी। ये रोटी मेरी गर्म हो गई है तो इसे निकाल लेती हूँ। गर्म हो गई है तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। फ्रेंड की भूख लगी है, मैं क्या बताऊँ आपको। ये आज का मेरा ब्रेकफास्ट है, तो फ्रेंड इतनी भूख लगी है ना, क्योंकि अभी बज रहे हैं 11 और मैंने फुल टाइम पास किया है आज। सफाई हो रही है हाउस हेल्पर से, देखिए थोड़ा सीलिंग वीलिंग साफ कर दी है। थोड़ा जाला वाला लग गया था तो मैंने उसे थोड़ा 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 करके पूरा घर थोड़ा थोड़ा सफाई कर रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ मटन बनाने के लिए। ये देखिए मटन, ये देखिए मटन। तो मैं बनाऊंगी आज मटन का कोरमा, और मैंने रोटियाँ बना ली है, रोटियाँ भी मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। देखिए मैंने अभी अभी रोटियाँ बनाई हैं, कोरमा, रोटी, बघारे चावल, और मैंने पाव भी मंगाया है। जिसे पाव खाना होगा वो पाव खाएगा, मैं तो रोटी खाऊंगी। आप मौसम देख सकते हो कितना सुहाना हो गया है। मेरा खाना हो गया है और मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ मिठाई के साथ, पेड़े के साथ, मैंगो पेड़ा। ये मैं मोस्टली मिठाई नहीं खाती हूँ, मुझे मिठाई इतनी पसंद नहीं है, बट कभी कभार खा लेती हूँ। फिर खाना पीना होने के बाद अब तो हल्की सी नींद आ रही है, तो थोड़ा सो जाऊँगी और फिर चाय के टाइम पर मिलते हैं। जाना है बाहर, मुझे कुछ सामान लेना है, तो बस मैं अभी उसी के लिए रेडी हो रही हूँ और जाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैं शॉपिंग करके आ गई हूँ, मुझे जो खरीदना था वो मैं खरीद चुकी हूँ। वो किसी का गिफ्ट था जो मैंने आपको बताया था, तो अब मैं आ गई हूँ घर पे। कोई तो आया। ये शॉपिंग जो है मैंने अपने बहुत ही खास और करीबी के लिए की हुई है,
उसके बच्चे गिफ्ट है ये, और मैं उसे बर्थडे में ही दूंगी। अभी उसके बर्थडे को टाइम है पर मैंने ले लिया क्योंकि फिर बाद में मुझे टाइम मिलता नहीं मिलता, इसीलिए मैंने ले लिया। और अभी मुझे लगी है बहुत ज़ोर से भूख, तो बट अभी मैं लाइट खाना खाऊंगी। तो मैं सोच रही कि मैं क्या खाऊं, तो दही रखी हुई है तो मैं सोच रही कि मैं दही और रोटी खा लूंगी, नमक डाल के दही रोटी खा लूंगी, क्योंकि मैं उसमें शक्कर नहीं डाल सकती क्योंकि फिर वो हैवी में आ जाएगा खाना, तो वो मैं रिस्क नहीं उठाना चाहती क्योंकि मैं खाने में बहुत कंट्रोल करती हूँ। ये देखिए, ये लिए मैंने चपाती और ये है दही और यही मेरा खाना है रात का। सच में यार बहुत भूख लगी है, जल्दी जल्दी मैं इसे फिनिश करती हूँ। मुझे दही रोटी, शक्कर रोटी, दही रोटी और केला रोटी, ये भी अच्छा लगता है खाने में। आप मेरी स्किन देख सकते हो, मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, कोई फिल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, नेचुरल है मेरा। जो भी फेस आप देख रहे हो इस वक्त बिल्कुल नेचुरल है, और आप ग्लो भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अपने स्किन का ख्याल रखें, उसे टाइम टू टाइम पैम्पर करते रहें तो वो स्किन अच्छी रहती है, और बालों का भी ख्याल रखा करें फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सोने से पहले मैं एक कप दूध देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है रात में दूध पीना। इसमें शक्कर बिल्कुल भी नहीं है, बस मैंने दूध उबाल लिया है और बस एक कप ले लिया है। आज का जो ब्लॉग है वो यहीं पे फिनिश हो रहा है, और मैं काफ़ी थक गई हूँ क्योंकि मैंने बाहर भी गई थी और मैंने आपको दिखाया भी है कि मैं शॉपिंग किया है मैंने, और भी मैं थोड़ा सा मार्केट वगैरह भी गई थी पर मैं वहाँ का शूट नहीं कर पाई, तो मैं थक गई हूँ। बस मुझे किचन में थोड़ा सा काम है, उसे किचन समेटने के बाद मैं सो जाऊंगी। अभी 11 बज रहे हैं और मुझे तो बहुत नींद आ रही है, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।